यहीं पर जो दो बच्चे थे, एक मैंने इस वाली जोड़े के नीचे एक रख दिया, ये वाला जो पुराना एक बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ले जनाब, आप सब लोगों के लिए एक नई वीडियो है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सब दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों देखिए, माशाल्लाह कबूतर बाहर निकले हुए हैं। माशाल्लाह ज़ीरा बच्चा देखिए कितना बड़ा हो गया है, और स्लेटा बच्चा, ये जोनसरा दीवाना ब्रीड का जो बच्चा है दोस्तों, ये भी चेक करें, वो स्लेटो का बच्चा है, और वो जो है ज़ीरा, ये ज़ीरो ज़ीरो का बच्चा है, और ये जो है मेरे दीवाना ब्रीड का बच्चा है दोस्तों। माशाल्लाह काफ़ी बहुत अच्छे जो है बड़े हो रहे हैं और सेहतमंद भी है माशाल्लाह। दोस्तों आज की जो वीडियो है आप लोगों को ये बताना था दोस्तों। देखिए दोस्तों, वो पेंसी पेयर माशाल्लाह देखिए दोनों बाहर निकले हुए हैं। चेक करें, ये मादी है दोस्तों और ये नर। नर के सर पर दोस्तों ताज नहीं है, और मादी के जो सर पर है इस पर ताज है। और बात यह है दोस्तों कि जी इसके तमाम जो बच्चे अभी तक मेरे पास निकले, तकरीबन 6-7 बच्चे जो मेरे पास निकले हुए हैं, सब के सरों पर ताज है, और लेकिन इस मेल के ऊपर जो है ताज नहीं है, और ये साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है मादी से। इसका शौक करें, उम्मीद है कि ये पेयर आप सब लोगों को पसंद आया होगा। ये जो देखिए दोस्तों, ये हमारा दीवाना ब्रीड की जो बड़ी मादी है, ये वही है माशाल्लाह। चेक करें, यो चेक करें, जीरी मादी और जो दीवाना ब्रीड का नर लगा था वो जोड़ा, जिसके नीचे दो बच्चे पल रहे थे दोस्तों, ये जीरी मादी है। ये तकरीबन 2-3 दिन से मुझे बीमार लग रही थी, सुस्त सुस्त थी काफ़ी। ने देखा कि इसके जो नीचे दो बच्चे थे उसको ये अच्छे तरीके से जो फीड नहीं करवा रही थी, वो काफ़ी छोटे रह गए थे। तो आप लोगों को दिखाना था कि मैंने एक बच्चा जो है दूसरी पैर के नीचे रख दिया और एक अभी तक इसके नीचे है। माशाल्लाह मादिया, मैंने इसका जो है इलाज किया और इसको जो मेडिसिन वगैरह दिए, माशाल्लाह से ये काफ़ी एक्टिव है माशाल्लाह से। देखिए दोस्तों कबूतर माशाल्लाह से सब एक्टिव है। ये देखिए पैर का शौक करें, ज़ीरा नर है और दीवाना मादी है। देखिए दोस्तों, और हमारे जो नीले है, नीले कमग्गर जोड़ा दोस्तों देखिए साथ ही में बैठे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसका पेयर जल्दी लग जाएगा दोस्तों। शौक करें, ये दीवाना नर है, इसने दो दो अंडे इसके नीचे है, ये स्लेटी पट्टी है। शौक करें, दीवाना मादी है। देखिए दोस्तों, और जो नीली, जो हमारे पुरानी वाली नीली कमग्गर मादी है
इसके साथ जो स्लेटा नर लगा है, इसने एक अंडा दिया है, दूसरा नहीं दिया। तकरीबन इसके जो है 3 दिन हो गए, अभी तक इसने दूसरा अंडा नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि ये दूसरा अंडा नहीं देगी और सिर्फ यही एक अंडा इसके नीचे होगा। शौक करे दोस्तों नर का। इस नर का शौक करे दीवाना। आप लोगों को बच्चा भी दिखाना है यहाँ पर जो था। माशाल्लाह अब काफ़ी बड़ा हो गया है दोस्तों। और देखिए ये ब्लैक ब्लैक जिसके ऊपर पर आ रहे, लेकिन काला ज़ीरा बच्चा बनेगा दोस्तों। देखिए इसमें ये पर भी वाइट वाइट पर भी है। देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छा पल रहा है। आप लोगों को जो दिखाना था दोस्तों, ये यहीं पर जो दो बच्चे थे, एक मैंने इस वाली जोड़े के नीचे एक रख दिया। ये वाला जो पुराना एक बच्चा है, ये अब माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है दोस्तों। देखिए और ये बच्चा जो है, आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि ये कमज़ोर कमज़ोर सा है। वजह यही है कि वो जो इसकी माँ है वो बीमार सी हो गई थी और बच्चों को सही से तरीके से फीड नहीं करवा रही थी। तो एक मैंने यहीं पर रख दिया और ये जोड़ा इसको फीड करवा रहा है, और एक इसके नीचे है। उम्मीद है ये एक हो गया। अभी इसको माशाल्लाह से देखिए फीड भी कितना अच्छा कराया है। पोट इसका पुल है माशाल्लाह, एक जल्दी बड़ा होगा। शौक करे दोस्तों, ये भी दीवाना नर बेटा है माशाल्लाह। शौक करे दीवाना मादी। और साथ ही में हमारी नीली कमग्गर मादी बेटी है, इसको नीचे कर देते हैं ताकि इस नर के साथ इसका पेयर जल्दी से बन जाए। और माशाल्लाह ये मादी जो है ये इसके साथ लगना चाहती है, लेकिन नर जो है इसे अभी तक ये पसंद नहीं है। और माशाल्लाह देखिए दोस्तों जो फैंसी बच्चे हैं कितने बड़े हो गए हैं और काफ़ी सेहतमंद भी है दोस्तों। चेक करें इसके पोट पुल है। देखिए दोस्तों ये जोड़ा जो है माशाल्लाह बच्चे अच्छी तरीके से पाल रही है। और मुझे इंशाल्लाह दोस्तों इसके जो अगला ब्रीड है मैं इससे नहीं लूँगा, और इसके नीचे जो है मैं अपने जो और जोड़ों का जो अंडे है इसके नीचे रखूँगा इंशाल्लाह। और देखिएगा ये बच्चे अच्छी तरीके से इसको पालेगी ये जोड़ा। ये पेयर भी इसने अभी तक कोई अंडा वगैरह नहीं दिया। घोंसला तो इसने तिनके वगैरह तो रख दिए हैं, लेकिन अभी तक इसने अंडा नहीं दिया। इस पेयर ने भी 2 अंडे दिए हैं और इसके नीचे पड़े हैं। देखिए दोस्तों इस पेयर ने भी अभी तक अंडे वगैरह नहीं दिए वापस। बाहर चलते हैं दोस्तों। ये मादी बैठी थी और अचानक से उड़ गई। शौक करें माशाल्लाह। यहीं पर वापस आ चुकी है, जाल पर चिपक गई।
उम्मीद है कि दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।